गाइस यस बैंक की तरफ से एक न्यू वॉलेट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है यस पे लाइट। तो अगर आप एक वॉलेट की तलाश में थे जो एक ऑथराइज्ड वॉलेट हो, बैंक का वॉलेट हो, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और समझिएगा कि इस वॉलेट के अंदर हमें क्या क्या सर्विस मिलती है, कैसा वॉलेट है, इसे यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आप इस वॉलेट को यूज करना चाहते हैं तो कैसे इसमें अकाउंट को क्रिएट करना पड़ता है, और इस वॉलेट में आपके लिए मिलता है एक वर्चुअल डेबिट कार्ड जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपके लिए। तो प्रीपेड कार्ड भी आपको इसके साथ दिया जाता है, तो वॉलेट के साथ साथ यहां पर आपको एक प्रीपेड कार्ड भी मिलता है। और आप जानते हैं कि पेटीएम का वॉलेट काफी प्रचलित था लेकिन आरबीआई ने उसको बंद कर दिया, इसके बाद से लोगों को एक अच्छा वॉलेट मिलता ही नहीं है कहीं। तो आप यस पे लाइट वॉलेट को यूज कर सकते हैं। और यस पे लाइट वॉलेट की एक और खास बात यह है कि यहां पर आपको वॉलेट यूपीआई का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जिसके पास अकाउंट नहीं है किसी बैंक में या उम्र नहीं है अभी 18+, अकाउंट नहीं खुलवा पा रहे और यूपीआई चालू करना चाहते हैं, तो बिना बैंक अकाउंट के भी आप यस पे लाइट वॉलेट में अपना यूपीआई चालू कर सकते हैं, जिसे हम वॉलेट यूपीआई कहते हैं। सरकार ने इसको लॉन्च कर दिया था बहुत समय पहले ही। ये सर्विस आपको वैसे बहुत सारे ऐप में मिलती है लेकिन एक बैंक के वॉलेट में अगर आपको वॉलेट यूपीआई मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को, समझते हैं इस वॉलेट के बारे में सारी जानकारी को विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस सबसे पहले आपके लिए यस पे लाइट वॉलेट अपने फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। ये वॉलेट यस बैंक ने अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च किया है, तो अभी इसके ज़्यादा कोई डाउनलोड वगैरह तो है नहीं, 1000+ डाउनलोड हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। 2.5 की अभी रेटिंग है, 20 लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखते हैं यस बैंक लिमिटेड, यानी कि ये वॉलेट खुद का यस बैंक का है, तो ट्रस्टेबल हम मान सकते हैं। सिंपल सा आपके लिए इस वॉलेट को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना है, जैसे आप आकर के प्ले स्टोर सर्च करेंगे यस पे लाइट तो ये वॉलेट आ जाएगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा आपके लिए ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है और यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पर एक एक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपके लिए अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर सिंपल से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वो डालिएगा जिसमें पहले से अगर आपका यस बैंक में कोई अकाउंट है या कोई क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको फुल केवाईसी वाला वॉलेट मिल जाएगा। बट अगर आपका कोई अकाउंट वगैरह नहीं है यस बैंक में तो आप यहाँ पर कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, उसको डालेंगे, ये ओटीपी को ऑटोमेटिकली ले लेता है, नहीं लेता है तो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आता है। अब देखो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी वॉलेट एक्टिव है, मैं पहले यहाँ पर इसमें अकाउंट क्रिएट कर चुका था, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अपना वॉलेट एक्टिव करने आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा वो आपको बताता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शन आएंगे आप नेक्स्ट स्टेप पर, एक आएगा फुल केवाईसी का, एक आएगा लिमिटेड केवाईसी का। तो मैंने बताया कि अगर आपके पास पहले से कोई यस बैंक का कोई सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या फिर कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह है जिसमें आपको कस्टमर आईडी मिली हुई है, तो आप अपनी कस्टमर आईडी डाल करके और यहाँ पर फुल केवाईसी वाला जो वॉलेट है उसको एक्टिव कर सकते हैं, जिसमें आपको 2,00,000 रुपए की लिमिट मिलती है मंथली। बट अगर आपके पास कोई भी अकाउंट वगैरह नहीं है इस बैंक में तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपए की मंथली वॉलेट लिमिट मिलती है। तो आप ओनली पैन कार्ड, आधार कार्ड से यहाँ पर केवाईसी करके अपने लिमिटेड केवाईसी वाले वॉलेट को एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पिन सेट करना पड़ता है, तो आप बार बार ऐप को लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर यही पिन डालना पड़ेगा, तो अपना पिन यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट भी इनेबल कर सकते हैं और आप वॉलेट में यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वॉलेट का इंटरफेस आपको दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलेट का इंटरफेस काफ़ी ठीक ठाक है और पहले मैं इसको यूज भी कर चुका हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 रुपये मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड की। देखो यहाँ पर आपके लिए ब्लू कार्ड का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जो कि प्रीपेड कार्ड है, और इस वर्चुअल कार्ड को आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं कहीं किसी वेबसाइट पर, या आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब जहां पर भी ऑनलाइन कार्ड यूज होता है वहां पर यूज कर सकते हैं। यहां नीचे आप अपने कार्ड को एक्टिव कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, कार्ड का पूरा नंबर यहां पर आपको शो हो रहा होगा और इसकी वैलिडिटी शो हो रही होगी। सीवीवी नंबर के लिए देखे यहां पर एक आंख का आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करके अपना सीवीवी नंबर भी देख सकते हैं। कार्ड को अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो यहां से लॉक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, यहां से अपनी लिमिट वगैरह को भी सेट कर सकते हैं, कितना लिमिट आप इस कार्ड में सेट करना चाहते हैं। तो ये रहा आपका प्रीपेड कार्ड, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखो जो भी आपको इस कार्ड से खर्चा करना होता है या अपने वॉलेट से खर्चा करना होता है उसके लिए आपको सबसे पहले उतना पैसा अपने वॉलेट में लोड करना होता है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं है, इसमें आपको जितना पैसा खर्च करना है उतना अपना किसी
अदर बैंक से लोड करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको एड फंड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपना अमाउंट डालेंगे कि कितना रुपया आप लोड करना चाहते हैं। तो आपको दिखाने के लिए यहां पर मैं 10 रुपए डाल देता हूं, आप अपने हिसाब से अमाउंट को लोड कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर प्रोसेस वाले ऑप्शन भी क्लिक करेंगे, यहां पर कुछ यूपीआई एप्लीकेशन खुल जाते हैं, तो आप यहां पर किसी भी अपने यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे यूपीआई एप्लीकेशन यहां पर आपके सामने आ जाते हैं। चलिए मैं अपना पेमेंट फोन पे से कर देता हूं, तो आप यहां पर अपना यूपीआई पिन डाल के पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल सा आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखो यहां पर जितना बैलेंस आप अपना वॉलेट में लोड करोगे यहां पर शो हो जाता है। अभी हमारा 15 रुपए था, 10 रुपए ऐड किया है तो 25 रुपए यहां पर हो चुका है। अब नीचे आपके लिए काफी सारे बिल पे और रिचार्ज के ऑप्शन मिलते हैं, तो यहां पर आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पोस्टपेड रिचार्ज कर सकते हैं, लाइट का बिल भर सकते हैं, वाटर बिल भर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज, प्रीपेड गैस बिल भर सकते हैं। यहां पर आप ब्यू वॉल सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी की सारी सर्विस निकल के आ जाती है। यहां पर आप क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं और सोसाइटी वगैरह का पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से बहुत सारी सर्विस के अंदर आपको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं यहां पर वॉलेट यूपीआई की, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं कि उनका किसी बैंक में अकाउंट नहीं है और वो यूपीआई चालू करना चाहते हैं, तो ये सर्विस आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो आप अपना यूपीआई आईडी यहां पर क्रिएट कर लीजिएगा, ऊपर यहां पर आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन आ जाएगा, मेरा यूपीआई आईडी यहां पर ऑलरेडी क्रिएट है, तो मेरा वॉलेट यूपीआई आईडी इसमें एक्टिव हो चुका है। यहां पर देखो कोई भी मेरा बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, आप दे सकते हैं, और फिर भी यहां पर देखो मेरा यूपीआई आईडी मुझे मिल चुका है। यूपीआई आईडी बेसिकली यहां पर आपका मोबाइल नंबर और यस गो करके बनता है, तो आप यहां पर यूपीआई आईडी को क्रिएट कर लीजिएगा। अब आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं अपने किसी व्यक्ति को बिना बैंक अकाउंट के, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आप स्पेंड करना चाहते हैं अपना, चाहे आप यूपीआई से करें या वर्चुअल प्रीपेड कार्ड से करें, उतना पैसा आपको पहले अपने यस पे लाइट वॉलेट में ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर आप ऐड फंड वाले ऑप्शन में क्लिक करके उतना पैसा यहां पर ऐड कर लीजिएगा। अब जो यहां पर पैसा आपने ऐड कर लिया यहां पर आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आप यहां पर स्पेंड कर सकते हैं, तो आप यहां पर किसी व्यक्ति का क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको लाइव दिखाता हूं। यहां पर देखिए स्कैन पे का ऑप्शन, इस पर क्लिक करता हूं और आप यहां पर देख सकते हैं मेरा कोई बैंक अकाउंट यहां पर ऐड नहीं है। नीचे यहां पर देखिए वॉलेट बैलेंस हमारे लिए दिख रहा है, तो यहां पर चलो मैं इसमें से 10 रुपए सेंड कर देता हूं और यहां पर पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। आपके सामने पेमेंट यहां पर हो रहा है, देखिए पेमेंट हमारा हो चुका है और ऊपर से देखिए पेटीएम में यहां पर रिसीव हो चुका है, एचडीएफसी बैंक में आ चुका है। बट सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, कोई भी हमें बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये पैसा हमारा डायरेक्ट वॉलेट से कट चुका है। इसी को हम कहते हैं वॉलेट यूपीआई, यानी कि बिना बैंक अकाउंट के हमारा यूपीआई पेमेंट हो जाता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपको पेमेंट रिसीव करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए यहां पर एक यूपीआई आईडी आपको मिलती है, तो इस यूपीआई आईडी को आप सामने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं, वो व्यक्ति इस यूपीआई आईडी पर पेमेंट सेंड करेगा तो ये पैसा आपके यस पे लाइट वॉलेट में आ जाएगा। बाकी का यहां पर आप प्रोफाइल वाला आइकन पे क्लिक करके और व्यू क्यूआर पे क्लिक करके अपना क्यूआर कोड भी निकाल सकते हैं, तो इस क्यूआर कोड पर जो व्यक्ति पेमेंट सेंड करेगा तो ये पैसा भी आपके यस पे लाइट वॉलेट में ही आएगा। यहां पर शेयर का ऑप्शन है, किसी व्यक्ति को आप क्यूआर कोड शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पे, तो यहां पर इस प्रकार से आप अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं बिना बैंक अकाउंट के। तो यहां पर ये काफी अच्छी बात है और ये एप्लीकेशन आपका एक जगह और आपके काम आएगा, जैसे मान लो आप फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, उसमें क्या होता है कि यूपीआई पेमेंट करने पर पैसा आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट से कटता है। तो ऐसे में मान लो छोटा मोटा कोई ट्रांजेक्शन करना आपके लिए, 10-20 रुपए का सब्जी लेना, कुछ भी लेना है, तो ऐसे में हर बार आप पेमेंट करते हैं फोन पे पेटीएम से, उसमें सारा ट्रांजेक्शन आपका बैंक में रिकॉर्ड होता है और जब भी आप स्टेटमेंट निकालते हैं तो काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट निकलता है। तो इससे बचने का भी एक तरीका है कि आप जितना खर्चा करना चाहते हैं उतना पैसा यस पे लाइट वॉलेट में ऐड कर लीजिएगा, 2000-4000 जो भी आप स्पेंड करना चाहते हैं मंथली अपना, उसके बाद आप सिंपल सा क्लिक करके यहां से पेमेंट कर सकते हैं किसी भी क्यूआर कोड पे। तो यहां पर आपका बार बार बैंक में ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं करेगा, आपके बैंक में ओनली एक सिंगल ट्रांजेक्शन आएगा, बाकी का यहां पर आप वॉलेट यूपीआई से अपना स्पेंड कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा तरीका है और सरकार ने भी इसलिए यहां पर इसको लॉन्च किया है वॉलेट यूपीआई को, ताकि बैंक को प्रॉब्लम ना हो, बार बार ये आपका ट्रांजेक्शन डायरेक्ट बैंक में शो ना हो करके और वॉलेट यूपीआई में शो हो। अगर आप डायरेक्ट पेमेंट सेंड करना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, तो यहां पर देखो आपको एक सेंड मनी का ऑप्शन मिलता है नीचे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप किसी व्यक्ति की यूपीआई आईडी डाल करके पेमेंट सेंड कर सकते हैं यहां से, बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आप यहां पर ऐड बैंक पे क्लिक करके उस सामने वाले व्यक्ति का बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और उस व्यक्ति को आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं अपने वॉलेट से डायरेक्ट। इसके अलावा यहां पर आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलता है, तो ये तब काम करता है जब सामने वाला व्यक्ति भी यस पे लाइट वॉलेट को यूज करता हो, तो डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट पेमेंट यहां पर आपका
चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपके लिए हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने अपने वॉलेट में कितना पैसा लोड किया है, कितना आपने भेजा किसी को। इसके अलावा यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन है, तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि यूपीआई से आपने कितना किसको पेमेंट किया है। ये भी काफी अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर लिंक अकाउंट का ऑप्शन है, तो अभी देखो ये कमिंग शो दिखा रहा है, वर्क नहीं कर रहा, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर आप बैंक वगैरह भी लिंक कर सकते हैं अपना। तो इस तरीके से यस पे लाइट वॉलेट को यूज करना होता है। अगर हम फाइनली पॉइंट की बात करते हैं कि हमें इस वॉलेट को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखो अगर आप परेशान हैं बार बार अपनी बैंक अकाउंट्स पेमेंट कर करके, या आपको स्टेटमेंट निकालने में प्रॉब्लम होती है, या फिर आपका बैंक अकाउंट नहीं है और आप विदाउट बैंक अकाउंट के पेमेंट सेंड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल यस पे लाइट वॉलेट को यूज कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि भाई हमारा बैंक अकाउंट नहीं है मान लो, तो हम इस वॉलेट में पैसे को कैसे सेंड करेंगे, इसके लिए देखो आप अपने घर परिवार में किसी व्यक्ति के यूपीआई से पेमेंट सेंड कर सकते हैं। आपके परिवार में किसी का बैंक अकाउंट है, उससे आप पेमेंट यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं, उसके बाद आप भी यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए वॉलेट कैसा लगा। अगर जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करेगा, और जिस व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं है उनके पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।